हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको संबंध और फलन के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 1.3 है, आपकी प्रश्नावली 1.3 का 7वां क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यह क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.3 का है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन फंक्शन फ्रॉम आर टू आर पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आर टू आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल से रियल में। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल फंक्शन सिद्ध करना है। करा यफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यफ व्युत्क्रमणीय है, या यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध करिए कि यह फलन जो है व्युत्क्रमणीय फलन है। तो व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि यह व्युत्क्रमणीय फलन होने की शर्त होती है कि यदि हम यफ को सिद्ध कर दें कि एकाकी और आच्छादक है। यदि फलन यफ को हम सिद्ध कर दें कि यह फलन एकाकी और आच्छादक है तो हमारा व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध हो जाएगा। आइए हम सिद्ध करते हैं, पहले एकाकी सिद्ध करेंगे। तो एकाकी के लिए फार 1-1 के लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए। यही आपका एकाकी होने के लिए शर्त है। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए। यदि हम यह सिद्ध कर देते हैं तो आपका फलन एकाकी हो जाएगा। अब जो है कि आइए सिद्ध करते, देखिए आपका यहाँ दिया एक फलन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। यह आपको एक फलन दिया है फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल से रियल में। और आपका दिया क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि एकाकी है। हमारा लक्ष्य है कि सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब हम फलन यफ को हम सिद्ध कर दें एकाकी और आच्छादक है। तो एकाकी आच्छादक के लिए अब इसको हम सिद्ध करेंगे पहले कि यह एकाकी फलन है। तो एकाकी के लिए क्या होता है यफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू यफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यदि ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि फलन क्या है आपका एकाकी फलन है। अब आइए इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब लिखा जाए एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट। अब देखिए इसमें अनुलग्नक सफिक्स क्या लगाया गया उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 4x1+3 इज इक्वल टू 4x2+3। अब आपको यह फलन दिया उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट, आप लिख से 4 से 4 कैंसिल होगा तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा एक्स टू। अब आपका यह सिद्ध हो गया कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। इसलिए लिख सकते हैं आप, इसलिए फलन यफ एकाकी है। अब आइए
अब हम सिद्ध करेंगे आच्छादक। यदि हम फलन यफ को सिद्ध कर दें कि फलन यफ जो है एकैकी और आच्छादक है, तो अब आइए सेकंड पार्ट जो है आपका रहेगा एकैकी और आच्छादक। अब सेकंड है आच्छादक के लिए फार आंटो फंक्शन, आच्छादक आच्छादक के लिए, तो इसको लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अब जो है कि इसमें इसका कार्यविधि आप जानते हैं, आच्छादक के लिए कार्यविधि क्या होता है, आप एफ एक्स बराबर समथिंग लिखते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप है एफ एक्स के स्थान पर वाई लिखते हैं, और क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं आच्छादक के लिए कि वाई एफ एक्स को वाई लिखेंगे और यक्स का मान जो है हम वाई के पदों में क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। और यदि हम दिखा दें कि वाई के प्रत्येक मान के लिए यक्स जो है परिभाषित है, यदि हम दिखा दें कि यक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई परिभाषित है, तो आपका फलन यफ जो है आच्छादक हो जाएगा, आंटो हो जाएगा। तो आइए इसको सिद्ध किया जाए। तो आपका दिया है एफ एक्स बराबर दिया है 4x प्लस 3, और इसकी कार्यविधि है कि पहले एफ एक्स को लिखेंगे y, तो 4x प्लस 3। अब इसमें आच्छादक में क्या करते हैं कि x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं, तो पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y माइनस 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4 बिलोंग्स टू r। अब क्यों यह बिलोंग्स टू r लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए फलन दिया है फंक्शन फ्रॉम r टू r, फलन दिया है क्या फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल से रियल में है, रियल से क्या है रियल में, यह फलन जो है आपका रियल से क्या है रियल में। अब आप बताइए वास्तविक संख्या की परिभाषा आप जानते हैं, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या की एक और परिभाषा है वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या की दूसरी परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अब यह जो y, यही आपका y है, यही क्या है y है, यही आपका क्या है x है, तो इसमें यक्स वन यक्स टू डॉटेड लाइन, इसमें यक्स बराबर, इसमें वाई बराबर वाई वन वाई टू वाई थ्री समथिंग। अब यहाँ वाई का कोई भी मान यहाँ पुट करेंगे तो वह क्या करेगा, इसमें इसकी इमेज बनेगी रिवर्स, इसका रिवर्स इमेज क्या बनेगा इसमें बनेगा। वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री अगर रियल नंबर इसमें रखते हैं तो यह क्या होगा, कोई भी y का मान धन या ऋण रखेंगे वह वास्तविक संख्या ही होगी, बस जो है अवास्तविक नॉन रियल कब होगा, यही यदि कर्णगत राशि रहती तब प्रॉब्लम हो सकता था कि वह संतुष्ट न करे, क्योंकि कर्णगत राशि में यदि कर्णी की राशि ऋणात्मक होगी तो वह इमेजिनरी हो जाती है, अधिकल्पित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्णी का चिन्ह नहीं है, इसलिए y का आप कुछ भी मान रखिए वह जो है क्या होगा इसके मान को संतुष्ट करेगा, y का प्लस माइनस जो भी आप के मन में आता है कुछ भी यहाँ पर रखेंगे वह इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो लिख सकते हैं इसलिए फलन f जो है क्या है आच्छादक, यह फलन क्या हो गया आच्छादक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यफ व्युत्क्रमणी फलन है, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन तभी होगा जब हम सिद्ध कर देंगे कि फलन
यफ एकैकी और आच्छादक है। यदि फंक्शन यफ वन वन आन टू है तो आपका इन्वर्टिबल फंक्शन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तब लिखेंगे इम्प्लाई दैट यफ एकैकी, यफ एकैकी और आच्छादक, यफ एकैकी और आच्छादक है। इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं यफ व्युत्क्रमणीय है। यफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। आपका सिद्ध हो गया कि यफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यही आपको कह रहा है कि सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। यही तो प्रतिलोम फलन है, यक्स को ही आप क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। जैसे यफ यक्स बराबर वाई, इम्प्लाई दैट लिखते हैं यक्स बराबर यफ इनवर्स वाई, इसको हम बता चुके हैं। तो यही कह रहा है प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, तो यही प्रतिलोम फलन हो जाएगा यफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस थ्री अपान फोर हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, प्रतिलोम फलन आपका ज्ञात हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, इस संबंध और फलन में का यह एक्सरसाइज 1.3 है, प्रश्नावली 1.3 का यह सातवां प्रश्न है। सब कुल प्रश्नों की संख्या 13 है, सभी प्रश्नों को हम बता नहीं सकते हैं, कुछ प्रश्नों को बताएंगे, 3-4 क्वेश्चन को बताएंगे और शेष क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर 94-15-012-099 पर आप हमको जो है मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे।